सबसे पहले सही भाई जो को जय हिंद। जय हिंद सर। दोस्तों आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल जय डिफेंस ग्रुप इंदौर। दोस्तों आज हमारे साथ कुंदन है, कुंदन का सोका फिजिकल था, इसके बाद NCC सर्टिफिकेट है, एग्जाम माफ है। आज हम कुंदन से बात करेंगे किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था, किस प्रकार से रनिंग में जब कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम करा था, कौन से बैच में दौड़ा था, कितने बच्चों को दौड़ा था और कितना टाइम मिला, तो सारी जानकारी आपको वीडियो पे मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो पहले हम कुंदन का स्वागत करेंगे माला के साथ, ताली बजा दो। भारत माता की जय। तो दोस्तों कुंदन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? धार डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों आप सभी को पता है कि धार की जो भर्ती थी महुआरों की 1 तारीख से 10 तारीख तक धार में हुई थी, जिसमें कुंदन का सोका फिजिकल है, NCC सर्टिफिकेट है और NCC वालों को एग्जाम माफ होता है। मैं कुछ बच्चों को पिछली बार कमेंट्स आया था पिछली वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं ट्रेड और GD में इनके बाद NCC में सी सर्टिफिकेट होता है और सी में पास होते हैं, उनका एग्जाम माफ रहता है। जैसे टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, इसमें आपको नंबर मिलते हैं सी के 15 नंबर मिलते हैं ना, और बाकी GD और ट्रेड में यदि आप सी सर्टिफिकेट और आप पास हो तो आपका ये समझो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बता कुंदन के लिए, तो दोस्तों जो कुंदन की जो भर्ती थी धार में हुई थी और पहला ही जिला इसका धार डिस्ट्रिक्ट है। हाँ सर, धार डिस्ट्रिक्ट था। और कौन सा बैच में दौड़ा? सर मैं छठी बैच में दौड़ा। छठी बैच में कितने बच्चों को लिया था? सर उसमें 27 बंदे लिए थे। 27 बंदे लिया सर। कितने नंबर पर आया आपको? सर मैं 4th नंबर पर आया। एक बार ताली कुंदन के लिए। कितने बच्चों को दौड़ा था एक बैच में? सर 250 से 300 बंदे दौड़ाए थे। 250 से 300 बीच में। तो दोस्तों जो इसका बैच बना था छठवा बैच था, बैच नंबर 6, जिसमें 250 से 300 के बीच में बच्चे दौड़ाए थे, इसमें ये चौथे नंबर पर आया था। हाँ सर, चौथे नंबर पर आया था, तो इसकी 60 की रनिंग लगी थी और बीम 10 की 10 ही लगा दी। 10 तो 60 नंबर की रनिंग हो गई और 40 नंबर का बीम हो गए। इसके ही नंबर जुड़ते हैं वहाँ पे आर्मी जब भर्ती देने जाता है, अब GDO ट्रेड में नंबर सिस्टम होता है, तो जो इसने 60 नंबर की रनिंग मारी थी और 40 नंबर का बीम, तो इसका 100 का फिजिकल रहा है, 100 में से 100। नॉर्मली होता है जिग जैग और 9 फीट गड्ढा, तो पास कर लिया होगा, उसमें वैसे फेल भी नहीं करते किसी को। तो दोस्तों 4 स्टेप होती है, रनिंग, बीम, जिग जैग और 9 फीट गड्ढा। इसके बाद दूसरे दिन आपका मेडिकल होता है, तो इसने जैसे रनिंग पास की, इसके बाद इसका मेडिकल हुआ, मेडिकल इसने क्वालिफाई करा और इसके बाद अभी NCC है, इसको एडमिट कार्ड मिल गया है, अभी बस उस दिन जाएगा और एडमिट परीक्षा वाले दिन बैठेगा और इसका ये समझो कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। एक बार कुंदन के लिए दौड़ा ताली। तो जैसे कुंदन जैसे आप भर्ती देने गए तो जैसे डर रहता है सभी को अपन भर्ती देने आते हैं, जैसे इसने तैयारी की थी पिछली बार भी इसने भर्ती में आई थी, हुआ क्या था कि पिछली बार 88 का फिजिकल था और बी सर्टिफिकेट था ना। हाँ सर, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, फिर एग्जाम कैंसिल हो गई क्योंकि अग्निवीर जो TOD के माध्यम से अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती होनी थी, तो बंदा क्या है कि एग्जाम ना होने के कारण वापस को वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो जाते ना, लोगों को बाहर कर दिया, फिर से क्या वो निरस्त कर दी थी जो पिछली भर्ती हुई थी जो देवास में, उसको निरस्त कर दी गई थी। फिर वापस ने तैयारी करी और जो अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती हुई उसमें इसने सिलेक्शन पाया, इसके लिए एक दौड़ डाली। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय।